नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मांडल मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया उसी का थ्रू में मैंने मंडे के लिए मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मंडे के लिए 16/12/2019 के लिए मैंने कुछ बाइसल रिकमेंडेशन दूंगा। वो मैंने स्किन करके रखा हूँ, स्टॉक्स का दूंगा, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी कमोडिटी और फ्यूचर्स का दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर बेसिस पे देता हूँ और बाय सेल लेवल देता हूँ और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है और कुछ एडुकेशनल जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में अच्छी तरह से प्रॉफिट कमाने से हेल्पफुल हेल्प करेगा और बहुत सारा वीडियोस है जो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस आप लोग को स्टॉक मार्केट से नॉलेज लेने के लिए और स्टॉक मार्केट से अच्छी तरह से काम करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए जरूर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये मेरा जो बाइसल लेवल कम स्किनर बनाया हूँ, तो इसमें बाइसल लेवल वन रहा है, बाइसल लेवल वन, बाइसल लेवल टू और बाइसल लेवल थ्री रहता है। और बाइसल लेवल वन, बाइसल लेवल टू और बाइसल लेवल थ्री रहता है और बहुत सारा इंडिकेटर्स लगा हुआ है जो आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनिंग कर सकता है। वोलेटाइल डिलीवरी परसेंटेज, चेंजिंग प्राइस, चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट, ईएमआई का क्रॉस ओवर, 10/20 का ईएमआई क्रॉस ओवर, 3/10 का ईएमआई क्रॉस ओवर, प्रोबेबिलिटी, 5/13 का ईएमआई क्रॉस ओवर, पिवट पॉइंट, बोलिंजर बैंड, प्राइस चैनल, इसिमोको क्लाउड, BWAP, BW के ऊपर है क्या नीचे है, आप लोग ये सब आप लोग को मिल जाएगा। टीरन लेवल ये सब आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। 5/34 का ईएमआई क्रॉस ओवर, 12/26/9 ईएमआई का क्रॉस ओवर, ये इसका कौन सा अप है या डाउन है आप लोग को स्टॉक्स स्क्रीनिंग करने के लिए बहुत ही मार्केट में सुविधा हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग उसका बाय सेल लेवल देखेंगे तो आप लोग को बहुत ही आसानी से आप लोग का काम बहुत ही आसान हो जाएगा और स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाने का। तो ये आप लोग और बाय सेल लेवल स्किनर टू में मैंने बाय सेल लेवल थ्री को अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में ही बाय सेल रखा हो। अप ट्रेंड और भी ऊपर जाएगा तो सेफेस्ट एंट्री कौन सा होगा, अप ट्रेंड रिटेस्ट करके नीचे आएगा तो सेफेस्ट एंट्री कौन सा होगा, बाय डाउन ट्रेंड रिटेस्ट होकर ऊपर जाएगा तो कौन सा सेफेस्ट होगा और डाउन ट्रेंड और भी नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल पर एंट्री लेना सेफेस्ट रहेगा, और इधर कौन सा लेवल पर कौन सा है कौन सा स्टॉक्स है वो आप लोग को इधर से दिख जाएगा। और भाई इधर आप लोग 5/34 ईएमए क्रॉस ओवर देखे आप लोग स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं और इधर 9/55 ईएमए क्रॉस ओवर, 14 का ईएमए क्रॉस ओवर, 3/35/34, 3/20/50, 3/20/50, 100 ईएमए क्रॉस ओवर, ये सब चीज़ आप लोग को देख के स्क्रीनिंग करके उसके बाद आप लोग उसके बाद बाय सेल लेवल देख के आप लोग बहुत ही आसानी से प्रॉफिट कमा सकते हैं। और बाय सेल लेवल थ्री को मैंने अलग से फाइल देता हूँ, इसमें सेम चीज़ है, ओनली इधर जो 5/34 ईएमए क्रॉस ओवर रखा है और प्रीवियस क्लोज का हिसाब से करेंट हाई लो क्लोज का एक कंपेरिजन बना है, क्योंकि आप लोग ये देख के भी आप लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो ये है आप लोग का स्क्रीनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग को देना चाहिए था। तो इसमें देखिए अभी जो बाइसल लेवल दिखाता हूँ आप लोग को, ये स्टॉक्स मैंने स्क्रीनिंग करके चुना हूँ, तो इसका बाई का एंट्री लेवल बाइसल लेवल वन में बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट वन से टारगेट टू बाएँ तरफ और टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएँ तरफ, सेल का भी सेल साइड में भी ऐसा है, सेल का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएँ तरफ और टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएँ तरफ। तो इसमें आप लोग को जब ऊपर जो लेवल का मार्केट ओपन होने के बाद जिस लेवल पे है उसका अगला लेवल आप लोग को टारगेट सोच लीजिए, 212.7 से 213.57 के बीच में रहेगा ओपन हुआ, तो आप लोग को 212 के ऊपर जो भी प्राइस है उसका एंट्री लेना है और 215 टारगेट होगा, ये 213.75/57 और मतलब 213.95, उसके बाद 215.95 आप लोग अपना चॉइस के भी आप लोग देख सकते हैं, 200
1755 का भी आप लोग ओपन हम रेंटी ले सकते हैं 295 के टारगेट के लिए। आप लोग को ज़्यादा टारगेट नहीं है, ज़्यादा टारगेट का ज़रूरत होगा तो। और आप लोग इसमें बाई सेल लेवल 2 को भी आप लोग देख सकते हैं, बाई सेल लेवल 2 और उसके बाद दिखाता हूँ बाई सेल लेवल 3, उसके बाद पिवट पॉइंट और टी वन लेवल का भी दिखा दूंगा आप लोग को। बाई सेल लेवल 3 इसमें आप लोग आर वन के एंट्री पॉइंट है, बाई का एंट्री लेवल और एस वन का है सेल का एंट्री पॉइंट, उसके बाद कौन सा लेवल पे है, सभी में कौन सा लेवल पे है आप लोग को देखना है, उसके बाद उसी का हिसाब से ट्रेड लेना है। किसी को प्रॉब्लम होगा तो मेरे को पूछ सकता है। पिवट पॉइंट बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप लोग इस्तेमाल करके देख सकते हैं, प्रॉफिट कमाने का बहुत ही ईजी हो जाएगा। और ये देखिए आप लोग का जो टी रन लेवल है, इसका टॉप लाइन बॉटम लाइन का हिसाब से और मिडिल लाइन का हिसाब से भी आप लोग काम कर सकते हैं। और ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट भी दिखा दिया, उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ। और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो उसमें फ्री ट्रायल आप लोग देख सकते हैं कुछ दिन के लिए, मैंने पूरा फाइल शेयर कर देता हूँ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप लोग को तो ये वीडियो दिखाता हूँ स्क्रीनिंग करने के लिए, स्क्रीनिंग करके, लेकिन उधर पूरा फाइल मैंने दिखा देता हूँ और सैम्पल फाइल आप लोग को मिल जाएगा। उसका डाउनलोड का लिंक भी आप लोग को यूट्यूब पर वीडियो का डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगा। और कमोडिटी का दिखाता हूँ, सेल लेवल 1 बाई सेल लेवल 2 आप लोग पॉज करके देख सकता है, और बाई सेल लेवल 3 आप लोग को स्क्रॉल करके देखना है, क्योंकि ये बहुत सारा ये सब कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारा डाटा मेरे को रखना पड़ता है, तो इसीलिए ये फाइल थोड़ा सा बड़ा है। टीनल लेवल भी आप लोग नोट कर सकते हैं, और उसके बाद और भी कुछ टोटल इसका कमोडिटी का और भी कुछ बाकी रह गया इसको दिखा देता हूँ। सो लेवल 1, 2 और 3 दिखा दिया, ये पिवट पॉइंट है। और इसके बाद प्राइस चैनल का वैल्यू भी आप लोग नोट कर सकते हैं, उसका अप डाउन में भी आप लोग कर सकता है, तो टीटन लेवल का वैल्यूज भी आप लोग नोट कर सकते हैं, उसका अपना अप डाउन में क्रॉस होने के बाद भी आप लोग ट्रेड कर सकता है, ट्रेड ले सकता है। कुछ फीचर्स का दिखा देता हूँ, मैंने वाई सेल लेवल 1 ही दिखाता हूँ, और मैंने तो ये सब दिखा दिया। और मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ चीज़ आप लोग को उसका शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कीप योर एक्सपेक्टेशन ऑलवेज रीजनेबल फ्रॉम स्टॉक मार्केट, ऑलवेज ट्राई टू कीप योर कैपिटल प्रोटेक्टेड फर्स्ट, पोजिशन साइजिंग एंड दैट शुड बी योर मोटो फर्स्ट। पोजिशन साइजिंग एंड स्टॉप लॉस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट, इट्स नॉट एनी चिराग पलादीन। आई कैन क्लेम आई हैव 90% एक्यूरेसी, आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड एक्सपीरियंस, एंड आई हैव एनालाइज्ड थॉरली वेयर आई एम मेकिंग मिस्टेक्स। इट इज़ द पेशेंस टू एंटर करेक्ट एंट्री, पोजिशन साइजिंग एंड स्टॉप लॉस, सो सेफ एंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर प्रॉफिट एंड फर्दर मिनिमाइज दैट परसेंटेज ऑफ रिस्क विच यू हैव नो कंट्रोल। दैट्स वाई आई हैव मेड द चार्ट एंड कैलकुलेशन इन सच ए वे विच गिव्स यू सेफेस्ट एंट्री एंड स्टिल फर्दर मिनिमाइज थ्रू हेजिंग। अब लोग मेरा वीडियो में सब्सक्राइब करके बहुत सारे स्ट्रैटेजीज देख सकता है, जो आप लोग को बहुत ही हेल्प करेगा। पेशेंस एंड डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड हैव टू गिव अप बोथ ग्रीड एंड फियर। नोबडी कैन बी 100% एक्यूरेट, यू हैव टू एक्सेप्ट लॉस, अदरवाइज यू कैनॉट मेक प्रॉफिट। ट्राई टू यूज हेजिंग मैकेनिज्म लाइक पेयर ट्रेडिंग हेजिंग, ये सब वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, विद ऑप्शन एंड आर्बिट्रेज टू मिनिमाइज दैट परसेंट। पेयर ट्रेडिंग हेजिंग का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, विच यू हैव नो कंट्रोल एंड बाउंड टू एक्सेप्ट।
डोंट फॉल पे आउट, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आप लोग को मिल जाएगा जो